ये उठ चुके हैं। कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, ये वाला जो गेम प्ले है बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। मतलब कि इस वाले मैच के अंदर ना मेरे को एंड जोन में काफी सारे सांप मिलते हैं घासों में लेटे हुए, तो सभी सांप को मारेंगे। और मैक्सिमम सांपों को तो मैंने बग्घी से कुचल कुचल के मारा था और बहुत सारों के कार 98 के हेडशॉट भी बजाए थे। अभी फिलहाल मैं चाहता हूँ मिलिट्री बेस के सिविल लिंक्स पर, और सिर्फ मेरे ना मिलिट्री बेस में 11 किल्स हो जाते हैं। मतलब कि यार यहाँ पर बहुत सारे बंदे आते हैं तो सभी को मारेंगे बहुत ही बुरी तरह। तो अभी देखो मेरी बिल्डिंग पर आकर दो बंदे फटाफट से गन उठा के सबसे पहले इनको कूट देते हैं। तो देखो गाइस यार, जो दो लोग मेरी बिल्डिंग पे उतरे थे ना भाई, उनको तो एकदम आराम से उतरते गन मिल जाती है, और थोड़ा बहुत लूटने के बाद मुझे मिल जाती है टॉमी गन। और ऊपर वाले फ्लोर पे जैसे जाता हूं तभी उनका साउंड आ जाता है और वो लोग सामने खड़े होकर टीपीपी ले रहे होते हैं। यहाँ पर एक बंदे को तो मैं थोड़ा बहुत लो करता हूँ और यहाँ पर फटाफट से ना स्टन ग्रेनेड करके इन लोग पे मैं सीधा रश कर देता हूँ। भाई साहब, यहाँ पर दोनों लोग को मैंने बहुत ही बुरी तरह नॉकडाउन करके फिनिश कर दिया। अब जैसे ही नीचे जाता हूँ तभी एक बॉट आ जाता है। तो चलो गाइस यार, यहाँ पर फिलहाल इस बॉट को मारने के बाद भी मैं थोड़ा बहुत लूटता हूँ, और भाई सब काफी सही लूट मिल जाते हैं इन दोनों को लूटने के बाद। और मैं सीधा आ जाता हूँ सामने वाली बिल्डिंग में जहाँ पर थे इसके टीममेट्स। तो भाई साहब, यहाँ पर ना इस बंदे की किसी से फाइट चल रही थी, नीचे की तरफ मैं एम कर रहा था। मैं जैसे यहाँ पर आता हूँ ना तभी मुझे एक बंदे के छत पर जाने का साउंड आ जाता है, तो सीधा भी उसको घुस के मारेंगे। तो भाई साहब ये देखो, मतलब कि मैंने उस बंदे को इतनी बुरी तरह फिनिश करा है ना भाई, पूछो मत। अब यहाँ पर फिलहाल इन सब को मारने के बाद मेरे 5 किल हो गए, और पीछे की तरफ में ना 2-3 स्क्वाड की फाइट चल रही थी। मैं फटाफट से भागते भागते आ जाता हूँ इस तरफ में, और अभी ना जल्दी से जाकर यहाँ पर मैं सोच रहा था कि थर्ड पार्टी कर दूँ, लेकिन जब तक मैं पहुँचता हूँ एक स्क्वाड जो डेड हो जाते हैं और एक ही स्क्वाड बचते हैं। तो देखना इसका कैसे 1v3 करूँगा। अब यहाँ पर एक बंदे को नॉकडाउन करके मैं दूसरे वाले को तो लो कर देता हूँ, और ये लोग एकदम अंधा रश मार देते हैं मेरे पे। तो ओके गाइस यार, अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने सबसे पीछे वाली जो स्क्वाड थी उसको भी निपटा दिया, और इन लोगों ने पीछे की तरफ में काफी ज्यादा बंदों को मार रखा था। अभी फटाफट से इनको लूटने के बाद मुझे मिल जाते हैं M4 और कार 98 के, और उसको लेकर मैं आ जाता हूँ सीधा इधर वाली सिमेट्री पर, क्योंकि सामने से आता है बोट फायर और मुझे लग रहा था कोई बोट होगा, लेकिन भाई साहब ये तो रियल प्लेयर्स की पूरी टीम थी। तो गाइस यार, ये लोग मेरे को बहुत ही बुरी तरह लो कर देते हैं और यहाँ पर ना अंधा रश मार देंगे, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो गाइस यार, यहाँ पर मैं इनके दो बंदे तो बहुत ही बुरी तरह नॉकडाउन करता हूँ, लेकिन जो इनका तीसरा बंदा था, लास्ट बंदा जो था भाई साहब, वो तगड़ा था बहुत ज्यादा। भाई साहब, ये बंदा रिवाइव करने के चक्कर में पैनिक हो गया, लेकिन जो उसने नेड करा था ना प्रिडिक्शन करके भाई, वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था। मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा आगे और जाता ना तो भाई मेरे पैर के नीचे वो नेड आता और मैं फटके मर जाता। अभी फिलहाल पीछे से बग्गी लेकर मैं चले जाता हूँ सामने की तरफ में, और यहाँ पर पता नहीं ये बंदा क्या कर रहा होता है। अब भाई साहब, कुछ बंदे तो ऐसी ऐसी जगह पर मिल जाते हैं ना कि आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। मतलब कि मेरे को समझ नहीं आया यहाँ क्या कर रहा था, शायद से ना इसने किसी बॉट वॉट को मारा था और उसको ये यहाँ पर आकर लूट रहा था। अच्छा हुआ कि मुझे इसकी डासिया दिख गई। अभी ना यहाँ पर फटाफट से मैं अपनी बग्घी लेकर निकल लेता हूँ सीधा जोन में। अब जैसे मैं अपनी बग्घी भगाता भगाता आता हूँ सीधा पोचिंकी की तरफ, तभी ना यहाँ पर सामने से एक US आती है और उसके अंदर थे दो बंदे, तो देखना अभी दोनों को कैसे फोड़ूंगा।
तो गाइस यार यहाँ पर ना मैं काफी फ्री फायर देता हूँ कि अगर ये लोग झांके तो इनके गोलियां पड़ जाए, लेकिन ये लोग नहीं झांकते, इसीलिए मैं अभी ना फटाफट से नेड कुक करता हूँ और ये लोग नेड की पिन का साउंड सुन के उस साइड भाग जाते हैं। तो भाई साहब ये बंदा बहुत ही खतरनाक वाला टीपीपी ले रहा था, लेकिन मुझे इतना बढ़िया एंगल मिलता है ना इसको मारने का कि भाई सच्ची में मजा आता है। तो भाई देखो इस जगह पर टीपीपी कभी मत लेना, अगर तुम्हारे एनिमी को ये वाला एंगल मिल गया तो वो तुम्हें भी बहुत ज्यादा आसानी से मार देगा। तो अभी ना फटाफट से मैं बग्गी लेकर निकल जाता हूँ सीधा नोवो वाले ब्रिज पर, मतलब कि पुचिंकी से मैं नोवो आ गया और पूरे रास्ते में एक बंदा नहीं दिखा मुझे। अभी ना सीधा बग्गी पकाते हुए तो मैं जोन में तो निकल जाता हूँ, मतलब जोन में पहुंच जाता हूँ। जोन चाहता है मिलिट्री बेस पूरा एकदम। अभी जैसे मैं जा रहा होता ना तो मेरे को नीचे से बोट जाती हुई नजर आ जाती है और ये बोट देखो भाई थोड़ी देर में लैंड पे तो आएगी और यहाँ पर मैं पीछा करते करते यहाँ पर आता हूँ, तभी मेरे को राइट में बोट दिख जाती है और यहीं पर बंदे भी लेटे होते हैं। अब यहाँ पर मैं करता हूँ बहुत बड़ी गलती, जब मैंने उसके फर्स्ट कैंडिडेट का शॉट दिया ना तो मुझे सेकंड शॉट देने की जरूरत नहीं थी, सीधा M4 निकाल के स्प्रे भरना था और इसी वजह से यार वो बचकर यहाँ से निकल लेता है, क्योंकि मेरा दूसरा कैंडिडेट का जो शॉट होता है वो मिस हो जाता है। अभी ना फटाफट से मैं अपनी बग्गी बैठ के दूसरा एंगल बनाता हूँ और भाई एंगल बनाने से पहले ये लोग मेरी बग्गी के नीचे आ जाते हैं। अब भाई देखो दूसरे बंदे को ना मैंने सामने की तरफ में तो आते हुए देख लिया था और सीधा बग्गी लेके भी उस पर स्लैम इन मार दूंगा मैं। तो भाई साहब यहाँ पर ये बंदा भी नॉकडाउन होता है, मतलब कि भी आसपास और भी सांप बचे हो सकते हैं, इसलिए मैं फटाफट से स्मोक करता हूँ और इसको ना फिनिश करके जल्दी से यहाँ से निकल लेंगे। बग्गी को जैसे मैं लेकर पहुंचता हूँ मिलिट्री बेस के पास, वहां पर ना दो बंदे डासिया में बैठकर मेरे पीछे पड़ जाते हैं और अभी देखना दोनों को क्या गदर स्प्रे बजाऊंगा। अब यहाँ पर तो ना इन दोनों को मैंने बहुत ही बुरा वाला मारा और इनकी गाड़ी भी फोड़ दी ताकि कोई दूर से मेरे को ना मार दे इस गाड़ी के थ्रू। तो अभी ना फटाफट से यहाँ पर इनको मारने के बाद मैं बग्गी लेकर आ जाता हूँ पीछे की तरफ, क्योंकि यार सामने की तरफ का ना सारा का सारा एरिया, सारे के सारे घर मैंने चेक कर लिए और जैसे पीछे आता हूँ यहाँ पर मुझे डासे खड़ी हुई दिख जाती है और अंदर बंदा भी नजर आ जाता है। तो भाई साहब मेरे आने से पहले ना इस बंदे ने यहाँ पर 1v3 करा था, मतलब कि यार तीन तीन क्रेट पड़ी हुई थी। खैर छोड़ो जो भी है, अभी ना यहाँ पर मैं चेक कर रहा था कि इसके टीममेट यहाँ पर है या फिर नहीं है, अगर होते तो रेफ देने आ जाते, तो कोई भी नहीं होता और फटाफट से ना हम लोग इसे फिनिश करके यहाँ से निकलेंगे सीधा जोन में। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल मैं जैसे अपनी बग्गी भगाते हुए जोन में जा रहा था तभी मुझे सामने की तरफ में दो सांप नजर आ जाते हैं और अभी देखना भाई मैं दूर जाके इनके क्या ही कार 98 बजाऊंगा। तो चलो गाइस यार इसी के साथ यहाँ पर मैंने इस बंदे को भी उड़ा दिया अपनी कार 98 से और यहाँ पर ना मैं अपनी बग्गी को जैसे ही लेकर जाता हूँ पीछे की तरफ, भाई यहाँ पर तो तीन तीन सांप लेटे हुए होते हैं, मतलब कि ना मुझे यहाँ पर इनकी गाड़ी दिख जाती है और समझ लो गाड़ी है तो सांप तो जरूर होंगे, इसीलिए मैं पहले पीछे जाता हूँ और फिर ना एकदम आराम से धीरे धीरे वापस आऊँगा एक राउंड मारने और उस राउंड में इनके दो तीन सांप तो मैं अपनी गाड़ी से ही कुचल दूंगा। तो चलो गाइस यार यहाँ पर इसी के साथ मैंने ना इनके अभी दो बंदे को नॉकडाउन कर दिया है और अभी ना फटाफट से पीछे की तरफ मेरे को एक और सांप दिख जाता है, लेकिन ये मेरी बग्गी के नीचे आने के बाद भी नहीं मरता।
लो भाई साहब, इसी के साथ यहाँ पर मैंने बजा दिया इसके बहुत ही खतरनाक वाला स्प्रे। अभी ना फटाफट से यहाँ पर मैं इसको लूटता हूँ। और भाई साहब ये बंदा इस टाइम पर भी फ्लेयर लेकर घूम रहा था, तो अभी ना जल्दी से इसकी मैं फ्लेयर चलाऊंगा। और यहाँ पर अभी बचे थे मेरे अलावा 3 लोग, और सामने की तरफ में आ रही थी एयर ड्रॉप, तो अभी जल्दी से मैं जाऊँगा एयर ड्रॉप पर, और तभी मुझे नीचे से एक गाड़ी जाती हुई दिख जाती है। तो भाई साहब ये दोनों लोग मुझे अकेला समझकर सीधा रश मार रहे थे, लेकिन भाई साहब को बीच रास्ते में ही उतार दिया। अब यहाँ पर ना मैंने फटाफट से जो फ्लेयर मिली थी उसको चला दिया, और अब भी देखना भाई इतनी ज़्यादा बग्गी घुमाई है ना एक बंदे को ढूंढने के लिए। सच्ची में यार जब एंड में एक बंदा बचता है ना तो पूरे को पूरा परेशान कर देता है। तो गाइस अभी ना जोन के अंदर बग्गी के 4 से 5 राउंड लगाने के बाद मैं फटाफट से आ जाता हूँ फ्लेयर को लूटने के लिए। वैसे मुझे इससे कुछ चाहिए नहीं था, बट यार मैं फिर भी ऐसे चला देता हूँ क्योंकि यार बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि तुम यार फ्लेयर नहीं चलाते। खैर छोड़ो जो भी है, अभी जैसे मैं यहाँ से थोड़ा आगे जाता हूँ तभी मुझे लास्ट बंदा भी मिल जाता है। तो चलो गाइस यार फाइनली हमें लास्ट बंदा भी मिल गया, और उसको मैंने मार भी दिया भाई। मतलब कि सच्ची में इसने इतना ज्यादा घुमाया पूछो मत। इस जगह से मैं पता नहीं कितनी बार निकलाऊंगा, लेकिन ये मुझे नहीं दिखा, पता नहीं कहां लेटा था। तो कि गाइस यार अभी मैंने कर दिया है 27 किल चिकन डिनर। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना। निकले तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतने ही, मिलते अगली वीडियो में। गुड बाय।